नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात मीडिया और कश्मीर की। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसकी आज़ादी संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल की घटनाओं और वहाँ के ताज़ा हालात के बारे में मीडिया की खबरें अलग अलग तस्वीरें पेश कर रही हैं। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें बता रही हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन BBC, रॉयटर्स, AP जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने और आर्टिकल 370 ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ वहां के लोगों का एक बड़ा तबका काफ़ी नाराज़ है। ऐसे में सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में किसके दावे कितने सही हैं, और बड़ा सवाल ये कि क्या जम्मू कश्मीर के मामले में भारतीय मीडिया अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। ऐसे ही सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार सतीश जेकब, वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। 4 दशक पहले 1975 में इमरजेंसी के दौरान BJP नेता लालकृष्ण आडवाणी का मीडिया की भूमिका को लेकर किया गया ये कटाक्ष क्या मौजूदा दौर में भी प्रासंगिक है? ये सवाल देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के जम्मू कश्मीर कवरेज को लेकर उठ रहा है। जम्मू कश्मीर के बंटवारे और धारा 370 खत्म किए जाने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया हालात की जो तस्वीर पेश कर रहा है वो काफी खुशगवार है। उसमें बकरीद पर जमकर खरीद फरोख्त करते लोग दिखाई देते हैं। हमारे जो मार्केट्स हैं उनको खोला गया था और काफ़ी चहल पहल शहर में देखी गई, और जो गुड मार्केट बिहेवियर है वो ऑब्जर्व करते हुए उसमें फर्दर जो रिस्ट्रिक्शन है उनको रिलैक्स किया गया था। ठीक, अच्छी चल रही है। 2-4 दिन से ये माल जो कुर्बानी का बिक रहा है, क्योंकि पहले तो माहौल ठीक नहीं था, आज अब ठीक है, तो बिक रहा माल तकरीबन लाख जो है वो 50,000 तक भी यहाँ मंडी से गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कई खुशनुमा वीडियो को भी दिखा रहा है, जिनमें वो शोपियां में लोगों के खाना खाते या अनंतनाग में हंसते मुस्कुराते गड़रियों से गपशप में मशगूल नजर आते हैं। इन तमाम तस्वीरों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के लोग अमन चैन की जिंदगी बसर करते दिख रहे हैं। सब कुछ बेहद उजला उजला सा है, कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वहीं दूसरी तरफ BBC, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान जम्मू कश्मीर में कई जगह विरोध प्रदर्शन होने के दावे कर रहे हैं। कुछ भारतीय पत्रकारों ने भी ऐसी खबरें दी हैं जिनमें जम्मू कश्मीर के लोगों में सरकार के फैसले को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ऐसी खबरों को फर्जी और बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुकी है, लेकिन कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भसीन ने अपनी याचिका में मांग की है कि देश की सबसे बड़ी अदालत उन पाबंदियों को हटाने का आदेश दे जिनके कारण पत्रकार कश्मीर घाटी के लोगों की हालत बयान करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी कश्मीर घाटी में संचार सेवाएं ठप किए जाने पर गहरी चिंता जाहिर की है। ऐसे में सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में किसके दावे कितने सही हैं? और बड़ा सवाल ये कि क्या भारतीय मीडिया जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। संजय कपूर, आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह से भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया 4 अगस्त से लेकर अब तक रिपोर्टिंग करता नजर आ रहा है, उसमें आपको कितनी निष्पक्षता नजर आती है, कितनी व्यापकता नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लग गया है भारतीय मीडिया के ऊपर यही है कि वो पूरी तरीके से सरकारी वर्जन देते हैं। ज़मीन पे उनके ये रिपोर्टर होने के बावजूद भी वहाँ से कुछ आता नहीं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट करा हुआ है, वहाँ पर किसी तरीके की खबर नहीं आ रही है। हम जितने भी पत्रकार मित्र वहाँ पर, जिनसे संपर्क करने की कोशिश भी करी, कुछ नहीं निकल रहा है। परंतु उसके साथ साथ अगर आप उसको कंपेयर करें, जो वेस्टर्न मीडिया है उनके पास भी तकरीबन वही साधन है जो हमारे पास है। उनके पास जो खबरें आ रही है वो भी स्ट्रिंगर्स के माध्यम से आ रही हैं,
और वो सब चीज़ें रिपोर्ट कर पा रहे हैं जो हमको करनी चाहिए थी पर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब हालत ये हो गई कि ये ना सच्चाई के पीछे एक राष्ट्रीयता हो गई है, ट्रूथ हैज़ बिकम नेशनल, और उसके अंदर कोई भी चीज़ जो हमारे नेशनल नैरेटिव के साथ ना जुड़ती नहीं है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ सरकार और तमाम उससे जुड़ी एजेंसीज के साथ एक ये हो गया है कि जो भी चीज़ से इत्तेफाक नहीं करते उसको फेक न्यूज़ कह देते हैं। सतीश, क्या कारण है कि विदेशी समाचार पत्र और टेलीविज़न चैनल की जो रिपोर्टिंग है उसमें और भारतीय मीडिया की स्थिति नियंत्रण में है वाली जो रिपोर्टिंग हो रही है इसमें इतना विरोधाभास क्यों है? क्या इसलिए है जैसे कह रहे हैं कि ट्रूथ अब राष्ट्रीय हो गया है? भारत, जो कपूर साहब ने कहा वो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि ये जो बिरादरी है मीडिया की, मैं उसका एक सीनियर मेंबर हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक ज़माना था कि जब सीनियर इंडियन मीडिया के लोग हिम्मत दिखाते थे और ख़तरे से कभी डरते नहीं थे और बिल्कुल निर्भय होकर और बिल्कुल सीधी खबर देते थे जो वो समझते थे कि ठीक है वो किसी के वो नहीं, लेकिन अब इतना डर बैठ गया है लोगों के अंदर, मीडिया में भी और मीडिया के बाहर भी। एक मेरे बहुत ही सीनियर एक दोस्त हैं जो कि जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि एक पार्टी के सीनियर सदस्य हैं। मेरे साथ वो एक चाय पी रहे थे अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो मैंने उनसे कहा कि क्या वजह है कि आपके लोग कुछ बोलते ही नहीं हैं? तो वो कहने लगा, भैया कैसे बोलेंगे, आप देख नहीं रहे हो कि जो बोलता है उसके साथ क्या होता है? तो मैंने कहा भाई वो होता तो है लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो वो ही मैं समझता हूँ कि मीडिया के बहुत से लोग हैं, पता नहीं क्या कारण है कि वो दबाव में आके डर भय से वो कुछ कहने के लिए मजबूर। ऐसा नहीं है कि हमारे मीडिया के लोगों के अंदर दक्षता नहीं है, दक्षता की हमारे यहाँ कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर के जो पत्रकार हैं या जो पेपर हैं या समाचार मैगजीन हैं उन वो हमारे पर ही निर्भर होकर अपने अपने लिए वो अपना इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है जिस तरीके से दबाव बनाया गया है उसकी वजह से मुश्किल है कि वहाँ से को असली खबरें मिलने को तो लोग तरस गए। राहुल देव, क्या आप सहमत हैं सतीश जैकब से कि दक्षता की कमी नहीं है? बड़े अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े संपादक हैं, आप जैसे संपादक हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सब डर गए हैं, लोगों के ऊपर दबाव है, इसलिए कोई न वहाँ से रिपोर्टिंग करना चाहता है ना सच बोलना चाहता है। हो सकता है भारत कुछ लोगों को दबाव महसूस हो रहा हो सकता है कि कुछ लोग ये कह बता सकें, हम तो नहीं जानते, लेकिन दबाव हो, लेकिन दबाव हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं दिखा रहा, सब लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। मुख्यधारा के मीडिया में भी आज ही एक बड़े अखबार जो मैं एक दो देख पाया हूँ उसमें वहाँ के विरोध प्रदर्शन की फ़ोटो पहले पन्ने पर छपी है, महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की फ़ोटो पहले पन्ने पर छपी है, वो जगहों के बारे में छपा है जहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया या जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए बड़ी तादाद में, फ़ोटो भी छपी हैं। यही कि कुछ लोग वहाँ जाकर, कुछ हमारे संपादक वहाँ जाकर वहाँ से वीडियो लाए हैं और उन्होंने उनको दिखाया है, बयां की है, जो हालात है वहाँ पर उनका बयान लिखा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सारा मीडिया राष्ट्रीय तो खैर हमेशा ही था लेकिन राष्ट्रवादी हो गया है, संजय ऐसा शायद कहना चाहते थे, लेकिन एक तो मीडिया हमारा इतना विविध है कि किस उस पर एक ही लाठी से सबको हाँका नहीं जा सकता, कोई एक बात उस पर सब पे लागू नहीं हो सकती। दूसरे, जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है वो हमेशा से विशेष रही है, अब जो वहाँ पर हुआ है, जो कदम उठाया गया है, ये तो विशेष में भी कुछ ज़्यादा ही विशेष है, तो ये स्वाभाविक था कि इसका वहाँ पर विरोध होगा। ऐसा संभव नहीं है कि सारे कश्मीर के लोग इससे खुश हों, ये हर बच्चा भी जानता है जी। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होता कि सरकार अपनी सुरक्षा की और मतलब वहाँ शांति रहे इसकी पूरी तैयारी करती, पूरी सावधानी बरतती, जो भी उसको करना था करती, लेकिन मीडिया को रोकती नहीं। ठीक, उसने क्यों किया होगा ये हम समझ सकते हैं, लेकिन एक लोकतंत्र होने के नाते लोगों को जानने का जो अधिकार है जी, वो रखा जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जिन जगहों पर
कुछ गड़बड़ होने की आशंका हो या जिस तरह की खबरों से गड़बड़ की आशंका हो, वो मीडिया को विश्वास पे लेकर ये बता सकती है उसको कि कृपया इसमें हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर नीति होती है। ठीक है, अनुराधा आप हमारे साथ अगर जुड़ी हुई हैं टेलीफोन पे, तो आप ये बताइए कि आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि कश्मीर में कश्मीरी पत्रकारों को, बाकी पत्रकारों को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता हो। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्ट करे, तो आप हमें बताइए कि आप ये याचिका दायर करने के लिए क्यों मजबूर हुई, और ये भी बताइए कि क्या प्रशासन कश्मीर में कश्मीरी पत्रकार और गैर कश्मीरी पत्रकारों के बीच में भेदभाव कर रहा है। कर्फ्यू पास किसको देना है, किसको नहीं देना है, सरकारी दफ्तर में किसे जाने देना है, किसे नहीं जाने देना है। जी बिल्कुल, देखिए आज ही मैं देख रही थी एनडीटीवी में, ये ऐसा टाइम आ गया है, ये पहली बार 30 साल हो गए मुझे अखबार से जुड़े हुए और तकरीबन 18 साल से मैं एक एडिटोरियल पोस्ट पे हूँ। ये पहली बार है कि इस किस्म का एक ब्लॉकेड इंफॉर्मेशन का हो गया है, एंड मुझे लगता है मुझसे ज्यादा इस वक्त इग्नोरेंट कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है, और क्योंकि हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं, कोई जरिया नहीं है, फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब हम अखबार पेज का एडिशन नहीं निकाल सके, लेकिन जम्मू एडिशन निकालते थे और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर ट्रिकल होके आता था किसी ना किसी जरिए, फोन लाइंस वर ऑन या आपके कुछ ना कुछ मिनिमल इंटरनेट भी चलता था, और कम से कम पत्रकारों को ये एक्सेस था गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन से बात करने की या थोड़े बहुत अपने फीडबैक आम जनता से कलेक्ट करने की, वो थोड़ी फ्रीडम थी। आज हम देख रहे हैं एक कंप्लीट, एक बिल्कुल एक खामोशी, एक सन्नाटा है, जो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अल्ट्रा से एक्सेप्शनल सिचुएशन है। मैं सुबह ही देख रही थी एनडीटीवी पे नजीर मसूदी, जो वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट है, लोकल है, और वो कह रहे थे कि उनका कहना था कि बाकी जो बाहर से पत्रकार आ रहे हैं उनको कर्फ्यू पासेस मिल रहे हैं लेकिन हमें नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये एक एक इंडिकेशन है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, अनुराधा से मैं बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल अनुराधा जी, मुझे पहचानते होंगे आप क्योंकि आपके पिताजी मेरे दोस्त हैं। ये बताइए जफर मिराज जी, जफर मिराज का क्या हाल है, वो है वहां पर अभी श्रीनगर? नहीं नहीं, वो हमारे साथ तो नहीं है लेकिन उनका अपना अखबार है और मुझे कोई इल्म नहीं है इसके बारे में कि वो कहाँ पे हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो कहीं बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। मुझे अपने स्टाफ का नहीं पता वो जिंदा भी हैं कि नहीं है। अनुराधा तो जम्मू में, कश्मीर की, ये कश्मीर की ही नहीं बात है, ये रजौरी की, पुंछ की, अंडीजर, ये बहुत बैकवर्ड और पिछड़े इलाके हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमें कोई इसकी कोई जानकारी नहीं। ठीक, संजय, भारत के जो बड़े टीवी चैनल्स हैं सबके पास श्रीनगर में सैटेलाइट अपलिंकिंग की सुविधा है, लेकिन क्या कारण है कि पिछले 6 दिन से, अब कुछ लोगों ने शुरू किया है, अपने वीडियोस दिखा नहीं रहे, अपने चित्र दिखा नहीं रहे, अरे कहीं कमरे से ही ले लो, खिड़की से ले लो, कुछ नहीं दिखा रहे। दिखा क्या रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिरयानी खा रहे हैं, या भेड़ का वजन पूछ रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं 34 किलो की है कि 35 किलो की है, या पूछ रहे हैं बच्चे से स्कूल बंद है तुम खुश हो, और साथ में खड़ा एक बूढ़ा कह रहा है कि यहाँ कोई भी खुश नहीं है। खैर वो पता नहीं कैसे इन्होंने दिखा दिया, पर प्रोपेगेंडा वीडियो दिखा रहे हैं सब टेलीविजन वाले, अपने दिखा नहीं रहे जबकि आपके पास सैटेलाइट लिंकिंग सुविधा है। ये कहना सारे संचार माध्यम समाप्त हो गए, ये भी गलत है ना, इनके पास तो है अपना अपलिंकिंग की फैसिलिटी, तो क्यों नहीं कर रही अपना काम? आपको पता है क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उसके कारण ये है कि दिल्ली में उनके ऊपर काफ़ी जोर दबाव है कि आप इस तरीके की चीज़ दिखाई जिससे कि सरकार को कोई नुकसान ना हो। सरकार ने एक नैरेटिव बना रखा है कि वहाँ पे हालात सुधर रहे हैं, कर्फ्यू है ना वो रिलैक्स कर दिया गया, बार बार वो कहते हैं।
ईद के पहले कम से कम उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पर है ना कर्फ्यू वापस लगा रहे हैं, नहीं तो पिछले 2-3 दिन से यही कहानी चल रही है कि हालात बहुत बेहतर हैं और बड़ा हर्षोल्लास है, लोग 370 के उठाने के बाद काफ़ी खुश हैं। परंतु अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़िए, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि एक है ना वहाँ पर सिपाही की रिपोर्ट है कि जहाँ मौका पड़ता है दर्जन दो दर्जन लोग बाग आके पथराव करते हैं, भाग जाते हैं, अधिकांश उसके अंदर औरतें होती हैं। वो ये भी कहता कि पूरी तरीके से खौफ ख़त्म हो गया है लोगों में, बंदूक का भी और पूरी जिस तरीके से तानाशाही रवैया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी संचार हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से इस समय अपनी आज़ादी, जैसे सतीश भाई ने भी बताया, अपनी आज़ादी और जो जिम्मेदारी है मीडिया की तरफ वो भूल चुके हैं। हमने भी बहुत मेहनत करी ये एडिटर्स गिल्ड के ऊपर दबाव डाल के कि कम से कम है ना इसके ऊपर स्टेटमेंट वगैरह करें, वो कामयाब हुई। पर यहाँ पे जो माहौल पैदा कर रखा है सोशल मीडिया वगैरह में, तो उनको बार बार कॉरोबोरेशन मिलता है। अगर आप मीडिया के खिलाफ बोलें, जर्नलिस्टों के खिलाफ बोलें, तो वो लोग तारीफ करते हैं, तो वो सरकार वही चीज़ देखती है जिनको लगता है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल चौपट है, तो वो जो भी कुछ कर सकते हैं चाहेंगे तो कर लेंगे। और उनकी TRP और ये तमाम चीज़ें जुड़ी रहती हैं सरकार के साथ जुड़ने में, उनकी जितनी एड सपोर्ट है जुड़ा रहता है। और जो उनके खिलाफ होता है आपको पता है NDTV के क्या हाल कर दिए, उनके मालिक को एयरपोर्ट पर ना जाए रोक लिया। तो इस तरीके के कोई दौर से गुजरना नहीं चाहता है कि, और बहुत जल्दी होता है, आपने कोई भी आरोप या कोई भी चीज़ सरकार के लिए करी तो 24 घंटे के अंदर आपके है ना कुछ पहुंच जाएगा, किसी तरीके का संदेशा पहुंच जाएगा। चलिए अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, मैं आपके पास आता हूं सतीश, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहिए। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। इस चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। सतीश, क्या आप कहेंगे कि भारतीय मीडिया ज्यादातर, एक इक्के दुक्के उदाहरणों को छोड़ दीजिए, अधिकतर जो हमारे समाचार पत्र या टीवी चैनल है, ये मीडिया सरकारी मीडिया बन चुका है और सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहता, दबाव की आवश्यकता नहीं है उतना, कहीं जो थोड़ा इंडिपेंडेंट है उन पे दबाव पड़ रहा होगा, लेकिन बाकी लोग तो वैसे ही लमलेट हो गए। भारत, उनके ऊपर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ एक तरह से यह है कि जले पर नमक छिड़कना। उनकी ऐसी मजबूरियाँ हैं कि उस मजबूरियों से वो अपना मुँह नहीं खोल सकते। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत से जो पत्रकार हैं जो जहाँ टेलीविज़न में जो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से टेलीविज़न में, ये देख लीजिए कि 90% जो टेलीविज़न है उसके जो मालिक हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और वो सारे मोदी जी के पक्ष में या उनके साथ उनके संबंध हैं। तो जो उनके नीचे काम कर रहे हैं वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मालिकों से टक्कर लेके और खबरें दें, उनके उसी वक्त छुट्टी हो जाए, उनके बाल बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके उनको किराया देना होता है, तो उनकी ये मजबूरियां हैं, उसको नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपने, हम जब अभी डिस्कशन कर रहे थे तो आपने कहा कि वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पिक्चर लेके डाउनलोड कर दिल्ली भेज सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ टेलीविज़न से और रेडियो से, ऐसा है कि जो भी जिनके पास ये लाइसेंस है टेलीविज़न का कहीं से भी डाउनलोड करके भेजने का, अपलिंक करने का, उसका सबका जो है ये मीडिया, ये जो हमारा मंत्रालय है INB का, उसके साथ उनका उनको लाइसेंस मिलता है। और अगर वो बगैर सरकार की मर्जी उसका विरोध करके अगर भेजेंगे तो वो डाउनलोड नहीं हो सकता, बगैर उनकी इजाज़त के डाउनलोड नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जो डाउनलोड, ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे रक्षा जो सलाहकार हैं जो वहाँ पर बोल रहे हैं, उनकी पिक्चरें आ रही हैं, वो अपने साथ एक क्रू लेकर गए थे और उस क्रू को सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं,
और क्रूज है वो एक प्राइवेट एजेंसी है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो सारा जो है वो एक एक्सक्लूसिव है, तो इसलिए उनके वो हमें दिखाई दे रही हैं, दूसरों के नहीं दिखाई दे रही जी। राहुल देव, क्या आपको लगता है इस बात में विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ हम मीडिया के लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, और दूसरी तरफ अभी आपने सुना हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या कह रहे हैं, सब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि सेल्फ सेंसरशिप हो रही है डर के मारे कि क्या मालूम इनकम टैक्स का रेड हो जाए, क्या मालूम हवाई जहाज पे न बैठने दें, कहीं छुट्टी पे न जाने दें, तरह तरह के डर उनको सता रहे हैं और इसीलिए सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज़बरदस्त चल रही है। संभव है भारत में, इसके इससे इनकार नहीं करता कि ऐसा संभव है, कई लोगों के साथ ये दबाव हो, मजबूरी हो, ये संभव है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पत्रकार के नाते हम सबकी उम्मीद अपने आप से भी और अपने सब साथियों से भी ये रहती है कि वो ऐसे दबावों का सामना करने में सक्षम हों। लेकिन जैसा सतीश कह रहे हैं, बहुत व्यावहारिक चीज़ें और मजबूरियाँ भी हैं, हालात होते हैं, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो एक सीमा के बाद उनको सबको उनकी आलोचना करना या कहना कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, ये तो थोड़ा हमें संतुलित होकर ये कहना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ मैं राहुल जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स से मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है कश्मीर में क्या हो रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्यों पढ़ूं मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स क्यों ना पढ़ूं, वहाँ यहाँ पे समाचार नहीं आएगा तो हम कहाँ से संतुलित तरीके से बोल पाएंगे। मैं यही कहने जा रहा था कि सरकार को भी ये समझना चाहिए कि जो सच है या जो भी हालात हैं वो बाहर आएंगे ही आएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता आज की दुनिया में, और उस वक्त हमारे सारे मीडिया और सरकार की भी विश्वसनीयता उस पर एक सवाल लगेगा अगर बाहर कुछ और दिखाया जा रहा है जो ये साबित हो जाए कि वो कश्मीर का ही है और यहाँ पर वो बिल्कुल ना दिखे। तो मैं समझता हूँ कि अपनी सरकार की और भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी है कि उसको साथ लेकर चला जाए, उसको अपना काम करने दिया जाए। और मैं फिर ये कहता हूँ, आप भी शायद सहमत होंगे, कि हमारा मीडिया और हम सब लोग इतने ज़िम्मेदार हैं कि हम देश हित समझते हैं, और जहाँ पर देश हित के खिलाफ जाने की कोई संभावना हो, सरकार हमें अगर विश्वास में ले तो हम वैसा करने को तैयार हो सकते हैं, हमारा भी विवेक है, हम नुकसान तो पहुँचाने के लिए नहीं हैं। तो इससे मतलब देश की साख का भी एक सवाल थोड़े दिन बाद खड़ा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा, मुझे जो लगता है कि ये 15 अगस्त तक बहुत ज़्यादा शक्तियाँ शायद रहने वाली हैं, क्योंकि 15 अगस्त तक ये बहुत ज़्यादा खतरे की आशंका हमको भी है और सरकार को भी है जी। मुझे लगता है कि उसके बाद हालात थोड़ा बेहतर होंगे और हमारा मीडिया भी थोड़ा बेहतर स्थिति में होगा रिपोर्ट करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। अनुराधा, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इस पे हमारा तो कोई बस चलेगा नहीं, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है उसके बारे में तो हम बात कर सकते हैं ना। आप एडिटर हैं, मैं भी एडिटर रह चुका हूँ, यहाँ सब लोग एडिटर रह चुके हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और हैं अभी भी। क्या कारण है कि हमारे समाचार पत्र अपने रिपोर्टर भेज नहीं रहे हैं? ठीक है, अब संचार माध्यम नहीं है, आप हवाई जहाज से भेजिए और वो अगले दिन आके वापस आके फाइल कर दे, फिर तीसरे दिन भेजिए, चौथे दिन आके फाइल करेगा। कारगिल की लड़ाई में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, तीन तीन टीम भेजी हमने एक एक हफ्ते के लिए, वो तो बहुत खतरे की बात थी, सैटेलाइट फ़ोन देके भेजा, तो यहाँ से सैटेलाइट फ़ोन देके भेजें, किराए पे मिलते हैं सैटेलाइट फ़ोन। तो मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहली तो बात है, आपने अभी कहा कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों पढ़ना पड़े, आप हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या जो हिंदुस्तान की अखबारें हैं उनमें उन पे क्यों नहीं भरोसा करें कि क्या कश्मीर में हो रहा है। हमारी हालत तो ये है यहाँ पे, हम इस रियासत में बैठे, अब ये रियासत भी है कि नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन हम वो आदतन मजबूर हैं, तो हम जो यहाँ पे बैठे हैं हमें तो अपने ही, हमारा नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमारी जो अभी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सारी दिल्ली से या न्यूयॉर्क से या कहीं भी दुनिया भर से आ रही है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और उसी से या कोई एक आध कोई किसी से फोन पे बात हो जाए, वो भी वो उन लोगों के जरिए जिनके घर वाले कश्मीर में बैठे हैं, जो दिल्ली में हैं या जम्मू में हैं या और जगहों पे हैं, उनकी जो एक मिनट की बात या दो मिनट की बात अपने घर वालों से हुई है वो एक हमारा फीडबैक है, दैट इज द ओनली फीडबैक। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अगर चले फर्ज कर लीजिए जो सरकार हमको पिक्चर दिखाना चाह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है,
सब कुछ नॉर्मल है, लोग निकल रहे हैं, लोग खुश हैं, तो चलिए हम मानते हैं, पर हमें खुद से भी सुनने दीजिए ना। हमको उनको फोन लाइन से क्यों बंद है, ये रास्ते क्यों बंद है, ये जर्नलिस्ट को क्यों काम नहीं करने दिया जा रहा, या नेटवर्किंग क्यों नहीं है। दूसरी चीज आपने पूछी कि जितने भी ये पत्र अखबारों की या डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो संस्थाएं हैं वो अपने स्टाफर्स को बाहर क्यों नहीं भेजती। आई मीन ये एक चीज जो समस्या है ये हमारे लिए भी है। जम्मू इस वक्त वन ऑफ द प्रिविलेज्ड एरियाज है जहाँ पे एक वीक नेटवर्क है इस वक्त फोन के और इंटरनेट के, लेकिन यही एक इलाका है जहाँ पे ये चीजें सहूलत मौजूद है। लेकिन हमारा इतना जो रिसोर्सेज है हमारे बहुत मिनिमल होते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट में पिछले 10-15 सालों में जो इस कदर मीडिया पे पाबंदियां लगाई गई हैं और इस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है कि उनकी फाइनेंशियल सोर्सेज को ब्लॉक किया गया है। हमारे यहाँ पे रिलायंस जो है वो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनपे नहीं होती है, हमारे यहाँ पे रिलायंस गवर्नमेंट एड से होती है, तो जो सरकारी एड है वो वो अलग सब्जेक्ट है, उसपे भी बात करेंगे, उसपे भी बात करेंगे। मैं इसी से रिलेटेड बोल रही हूँ क्योंकि रिसोर्सेज हमारे इतने कम हो चुके हैं। 90s में हम भेजा करते थे अपने ही दफ्तर से, तब श्रीनगर एडिशन नहीं था, हम यहाँ से टीम जाती थी श्रीनगर में। तो दबाव नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, पर मेरे पास समय अनुराधा मेरे पास समय बहुत कम है, आपकी बात समझ गया। आप कह रहे रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि सरकार ऐड देके कई अखबारों को तो बंद करने के कगार पे खड़ा कर दिया है। संजय ये बताइए कि आपने एडिटर्स गिल्ड की बात की, मैं भी एडिटर्स गिल्ड का मेंबर हूँ, आप भी हैं, आपको पता है कि 5 दिन तक एडिटर्स गिल्ड चुपचाप बैठा रहा जब आप जैसे लोगों ने हल्ला मचाया कि भैया इस बार नहीं बोले, बोलोगे तो हमेशा के लिए चुप हो जाओगे, तब जाके 5-6 दिन बाद स्टेटमेंट आई। बाकी देश में बाकी लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, पत्रकार क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपने हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया है, हमारा राइट टू नो आपने खत्म कर दिया है, सब चुप बैठे हुए हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं दुर्भाग्यवश हमारे मुल्क में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि जब मायावती और अखिलेश और तमाम लोग थे वहां पर तो कोई है ना अखबार में हमेशा ऐसे ही बोलते हरदम नहीं हरदम नहीं, नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस समय समाप्त हो गया। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूबे की मानसिकता है वो दिल्ली में आ गई है। ये जो चीफ मिनिस्टर थे वहां पर उनको पूरा पूरा जो तरीका था अंदाज था वो मानसिकता यहां पे आ गई। पॉइंट है, बट 30 सेकंड बचे। मेरे को ये बताइए, राहुल देव ने अभी कहा कि जहां देशभक्ति का मामला है हम सब देशभक्त हैं, पत्रकार को देशभक्त होना चाहिए क्योंकि देशभक्ति की परिभाषा बदलती रहती है, नेशनल इंटरेस्ट की परिभाषा बदलती रहती है कि हमें हमारी कमिटमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन से है, डेमोक्रेसी से है, हमें डेमोक्रेसी से लेना देना, देशभक्ति से क्या लेना देना। हम डेमोक्रेट्स हैं, बिल्कुल आपने सच कहा भरत, ऐसा है। अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हम देशभक्त हैं तो फिर हमें पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, फिर अगर सेल्फ सेंसरशिप की बात कर रहे हैं तो फिर पत्रकार नहीं। मैंने देशभक्त नहीं कहा, मैंने देश हित कहा। देश हित, देश देश हित भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि प्रजातंत्र के हित में काम करना चाहिए। देश हित, देश भक्ति बिल्कुल अलग है। देश हित कौन डिसाइड करेगा, बहस हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आज समय इतना ही है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।